तुम लोग और यहाँ क्यों आए हो? Don't go very far, huh? Lay here only. Lay. ये रहा आपका specially requested cherry plum cake. Thank you so much, my child. Your cakes are the best in Goa. I love them. And give my regards to your brother Peter. I will. Excuse me? Suzanne, right? Yes. Hi, I'm Thomas. Hi, how can I help you? Actually, मैंने आपके बेकरी और आपके केक्स के बारे में बहुत सुना हुआ है. मैं आपके यहाँ रेड वेलवेट केक का ऑर्डर देने के लिए आया हूँ. थोड़ा अर्जेंट है और आज रात को ही चाहिए, तो प्लीज. I'm sorry. वो एक्चुअली बहुत सारे ऑर्डर्स हैं ना, तो अभी तो नहीं हो पाएगा. अगर हो सकता ना तो मैं जरूर कर देती, बट इट्स नॉट पॉसिबल. अब सी, आई अंडरस्टैंड, लेकिन एक्चुअली मेरे भाई का बर्थडे है और उसे आपकी बेकरी के केक्स बहुत पसंद है. कैन यू प्लीज डू समथिंग? आई नो बट आई कांट हेल्प. जी, मैं जानता हूँ कि मैं आपके लिए ट्रबल क्रिएट कर रहा हूँ, लेकिन आई एम रिक्वेस्टिंग यू प्लीज, अगर मेरे लिए नहीं तो मेरे भाई के लिए. Okay. Thank you. Thank you so much. It means a lot. Thank you. Welcome. केक तो हो गया, मैंने रिबन कहाँ रख दी? इधर चेक करती हूँ. तुम तो शॉप बंद होने के बाद काम नहीं करती ना, तो फिर ये घर से डिलीवरी कब से स्टार्ट की? इट्स ओके पीटर, और वैसे भी आज उसके भाई का बर्थडे है ना, इसलिए. हाय सुजैन, वो केक का ऑर्डर दिया था. इट्स हियर. योर स्पेशल ऑर्डर. थैंक यू सो मच. ओ राइट, योर मनी. ओ सो सॉरी.
थैंक यू। दीदी कहाँ हो? अंदर आ जाओ, अभी तक आपने खाना भी नहीं खाया है। मेरी वजह से आई एम रियली सॉरी। दैट्स ओके, लेट मी मेक अप टू यू। क्या कल मैं आपको लंच पे लेके जा सकता हूँ प्लीज? देखिए मैं यहाँ नया हूँ और शायद इसी बहाने मुझे दोस्त बनाने का मौका मिल जाए। एक्चुअली काम रहता है ना, सो आई वोंट बी एबल। मैं आपका ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, बस एक घंटा। प्लीज ना मत कहिएगा। प्लीज यस। I'll see you at 3. लेकिन मुझे लगता है कि अभी आपको जाके केक कट करना चाहिए। राइट, थैंक्स अगेन, इट मींस अ लॉट। आपके चेहरे पे कुछ लगा हुआ है। केक। ठीक है। गुड नाइट माय प्रिंसेस, अपना ख्याल रखना। गुड नाइट थॉमस, स्वीट ड्रीम्स।
बहुत सारा मस्किटोज है हमारे रूम में, इसलिए हम आज इधर सोएगा। कौन है वहां? कोई है क्या? सुज़ैन, सुज़ैन, हाय। तुम इतने टेंशन में क्यों लग रही हो? वो एक्चुअली कल रात को ना कोई घर आया था, उसका ये पूरा पोर्शन ऐसे जला हुआ था। वो कह रहा था कि मैं तुमसे दूर रहूं। दूर रहना थॉमस है, समझो तुम, दूर रहना थॉमस है। थॉमस, तुम उसे जानते हो क्या? ये सब छोड़ो, तुम बहुत टेंशन में लग रही हो। आज तुम कोई काम नहीं करोगी, सारा काम मैं करूंगा। तो मेरी काम से छुट्टी? हाँ, बस तुम मुझे बताती जाओ क्या करना है। चलो। स्पेशल केक, इसको और स्पेशल बनाती हूँ। हाँ।
दूर रहना थॉमस से, समझे तुम? ये तो वही लड़का है जो उस दिन घर आया था। शहर में दिन दहाड़े एक युवक की हत्या कर दी गई। युवक का नाम प्रतीक है। ये युवक गोवा के पास के इलाके में पहले हफ्ते आया था। खबरों के अनुसार ये पता चला है कि कुछ महीने पहले एमपी के किसी इलाके में इसकी बहन श्रावणी की भी किसी ने कत्ल कर दिया था। जिस दिन वो वारदात हुई उस दिन उसकी शादी थी और पोस्टमार्टम से पता चला कि उसके शरीर में एक भी बूंद खून नहीं था। Surprise! Arey, it's for you. क्या बात है? तुम मुझे यहाँ देखकर खुश नहीं हुई? ऐसी कोई बात नहीं है। वो actually ये देखो, ये वही लड़का है जो परसों घर आया था, जिसके बारे में मैंने तुम्हें बताया था, जो तुमसे बात ना करने के लिए कह रहा था। इसे किसी ने मार दिया है। कुछ दिन पहले इसकी बहन को भी मार दिया था। बॉडी में एक बूंद भी ब्लड नहीं था। सुजैन, मैं तुम्हारी टेंशन समझ सकता हूँ, पर अब हम कर भी तो क्या सकते हैं इसके लिए प्रे करने के सिवा। तुम बिल्कुल टेंशन मत लो, पुलिस इसके मर्डरर को जरूर ढूंढ निकालेगी। और वैसे भी मैं यहाँ तुमसे एक बहुत जरूरी बात करने आया हूँ। Suzanne, will you please do the honor of marrying me? Yes. You made me so happy. Thank you so much. So happy. Thank you. याद रखना, कल 10 बजे मेरी फैमिली से मिलना है तुम्हें। ओके। तो सुजैन ने शादी के लिए हाँ कर दी है। कॉन्ग्रेचुलेशंस माय ब्रदर। आई नो तुम सुजैन को फंसाने के लिए भी सक्सेसफुल होगे। जस्ट लाइक जैसे तुमने बाकी लड़कियों को अपने प्यार के जाल में फंसाया। बट वो प्रतीक, वो लास्ट ब्राइड का स्टूपिड ब्रदर, वो सुजैन को सब कुछ बता देता। बट थैंकफुली कि तुम यहां टाइम से पहुंच गए और मुझे कॉल करके प्रतीक के बारे में बता दिया। कुमार,
मेरी सिस्टर जैसी कितनी इनोसेंट गर्ल को मारा तुमने, तुमको और तुम्हारी फैमिली को एक्सपोज कर दूंगा। बस सो सैड, प्रतीक को अपनी जान गंवानी पड़ी। तीन दिन के बाद न्यू ईयर के दिन पहली फुल मून नाइट है। अगर ये दिन मिस कर दिया तो अगले पूनम की रात तक वेट करना पड़ेगा। हंग्री एंड थर्स्टी, और ऐसा नहीं हो सकता। यू नो वॉट टू डू थॉमस। जॉन, मैंने सुजैन को उसके ब्लड के लिए ही फंसाया था, लेकिन उसकी जान लेने का मन नहीं करता। कहीं तुम्हें उससे सच में प्यार तो नहीं हो गया? मत भूलो, वो सिर्फ हमारा शिकार है। एक भी एयरिंग नहीं है उसके साथ, कौन सा पहनो? कौन? वाओ, ये तो एकदम मैचिंग है। तुम्हारे पास इस ड्रेस की मैचिंग इयररिंग नहीं थी ना, इसलिए अपनी पॉकेट मनी सेव करके लाया। मेरा बेस्ट ब्रदर। Come, Suzanne. Meet my dad. My uncle and my brother. Hi. Hello. This is for you. Thank you. Sit. थॉमस का चॉइस सच में अमेजिंग है। तो बेटा, तुम्हारी फैमिली में कौन कौन है? मदर, फादर, सिस्टर? मेरे पेरेंट्स की मेरे बचपन में ही डेथ हो गई थी, तब से सिर्फ पीटर, मेरा छोटा भाई, वो ही मेरी फैमिली है। थॉमस, तुम्हारी फैमिली में कोई लेडी नहीं है? हमारा फैमिली में जब भी कोई लड़की आया, ज्यादा टाइम तक रह नहीं पाया। बुरा मत मानना सुजैन, आई एम आस्किंग, तुमने कभी ब्लड डोनेट किया है? नो। तुम्हारा कभी डेडली एक्सीडेंट हुआ है? तुम्हें कभी ब्लड चढ़ा हो, या कभी तुम्हारा मेजर सर्जरी हुआ हो? नहीं। Excuse me, can I use the washroom? Sure, this way. Suzanne. चटो, पीछे चलो जॉन, गेट आउट। जॉन, मैंने कहा जाओ।
वो मुझ पर अटैक क्यों कर रहा था और उसके हाथ पे इतना खून लगा हुआ था? काम डाउन, वो खून नहीं था, जॉन अपने प्ले की प्रैक्टिस कर रहा था, वो रिहर्सल कर रहा था, नाटक था ये सब। तुम्हें कुछ नहीं होगा। मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा सुजैन, मेरे रहते हुए तुम्हें कोई कुछ नहीं कर सकता। मुझे ये क्या हो रहा है? ये सच में मुझे सुजैन से आई एम वेरी हैप्पी टूडे थॉमस, क्योंकि इतने दिनों के बाद हम सबका प्यास बुझेगा। उसका स्मेल इतना इंटॉक्सिकेटिंग था, मेरा बस चलता मैं सुबह ही उस लड़की से अपनी भूख मिटा देता। सुजैन तुम्हारी भूख मिटाने के लिए नहीं है, कोई सुजैन पर अटैक नहीं करेगा। आर यू मैड? तुमने सुजैन से फ्रेंडशिप किया, उसे अपने प्यार के जाल में फंसाया। वाई? ताकि वो तुमसे शादी करने के लिए रेडी हो और हम सब उस पर फीस्ट कर सके। Enough! कोई सोचना भी मत सुजैन को अपना शिकार बनाने के बारे में। आई लव हर एंड आई वांट टू मैरी हर। बाकी लड़कियों की तरह सुजैन इस फैमिली का शिकार नहीं बनेगी। तुम उससे प्यार कैसे कर सकता है? अरे प्यार करने के लिए इंसान बनना पड़ता है और तुम इंसान नहीं हो, तुम एक यक्ष हो, मेरी तरह, फादर की तरह, जॉन की तरह, एक यक्ष जो हजार साल तक यंग लड़कियों का प्योर खून पी पी कर जिंदा रहता है। मैंने कहा ना कि सुजैन को कोई हार्म नहीं करेगा। मैं सुजैन से प्यार करता हूं, मैं आपसे प्रॉमिस करता हूं कि मैं सुजैन से भी ज्यादा यंग, ब्यूटीफुल और प्योर लड़की आपको लाकर दूंगा, लेकिन सुजैन नहीं। प्लीज आप प्लीज मुझे प्रॉमिस कीजिए कि शादी के बाद भी सुजैन पर कोई अटैक नहीं करेगा मेरे लिए। डैड प्लीज प्रॉमिस मी, प्रॉमिस कीजिए मुझे। फाय, हम सब में से उस पर कोई अटैक नहीं करेगा, वी प्रॉमिस। थैंक यू। I don't care, थॉमस उससे प्यार करता हो या नहीं, मैं सिर्फ इतना जानता हूं वो लड़की सिर्फ मुझे यंग और अलाइव रखने का मीडियम है, मेरे हंगर मिटाने का मीडियम है। उस एक लड़की के लिए थॉमस हम सब का लाइफ गैम्बल कर रहा है। तुम ठीक कह रहे हो, हम सबको उसका शिकार करना पड़ेगा, वरना हम सब के साथ साथ हमारी स्पीशीज का अंत हो जाएगा। कल शादी के बाद हम सुजैन को मारकर अपना हंगर मिटाएगा, लेकिन ये बात हम उसको पता नहीं चलना चाहिए। I know I announce you, both husband and wife,
Congratulations, Suzan and Thomas. My brother, I pray tum aur Suzan live a very long, happy married life. Cheers. I know तुम बहुत खुश होगी कि finally तुम्हें मुझसे छुटकारा मिला. But I'll miss you, Susan. I'll miss you too, Peter. अपना सारा पॉकेट मनी वेस्ट करके मैं तुम्हारे लिए बेकरी नाइफ सेट लाया हूं. बेस्ट ब्रदर. डोंट वरी, तुम्हारी सुजैन का बहुत अच्छे से ख्याल रखूंगा मैं. सुजैन, तुम टायर्ड हो गई, तुम जाके रेस्ट करो. आई जस्ट जॉइन. ये तो एकदम मैचिंग है. तुम्हारे पास इस ड्रेस की मैचिंग इयररिंग नहीं थी ना, इसलिए अपनी पॉकेट मनी सेव करके लाया. अपना सारा पॉकेट मनी वेस्ट करके मैं तुम्हारे लिए बेकरी नाइफ सेट लाया हूं. I'll miss you, Peter. थॉमस, तुम हो? थॉमस, तुम ठीक तो हो? सुजैन, मैंने तुमसे एक बहुत बड़ी बात छुपाई है. क्या बात, बताओ. तुम जिस थॉमस से प्यार करती हो वो इंसान नहीं है. मैं यक्ष हूं, प्योर अनटच्ड, लड़कियों का खून पीकर जिंदा रहने वाला क्रीचर. मेरा पूरा परिवार एक यक्ष का परिवार है. हजारों सालों से हम इसी तरीके से प्योर अनटच्ड लड़कियों को फंसाते आए हैं, उनसे शादियां करते आए और उसके बाद उनका शिकार करके उनका खून पीते. अगर हम लोग ये नहीं करेंगे तो हम सब लोग मर जाएंगे. तो क्या तो मुझे भी नहीं सुन. सॉरी कि मैंने ये सच तुमसे अभी तक छुपाया था, लेकिन मुझे नहीं पता था कि मुझे तुमसे प्यार हो जाएगा. ऐसा है, तुम्हें कोई हार्म नहीं होने दूंगा. मैं तुमसे वादा करता हूं, मेरा पूरा परिवार तुमसे बहुत प्यार करेगा. उन्होंने वादा किया है वो तुम्हें हर्ट कभी नहीं करेंगे. इसे रखो, ये एक गेस्ट हाउस का एड्रेस है, मैंने पीटर को भी बता दिया है. तो बस कुछ दिनों के लिए यहां से चली जाओ, क्योंकि जॉन मैं नहीं जा सकती. अगर तुम्हें कुछ हो गया तो सुजैन तुम मैं यहां से कहीं भी नहीं जाऊंगी. सुजैन मेरी बात सुनो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता तुम ह्यूमन हो या मॉन्स्टर. सुजैन, मैं सिर्फ उस थॉमस को जानती हूँ जिससे मैं बहुत प्यार करती हूँ और जो मुझसे बहुत प्यार करता है. सुजैन मेरी बात समझ. नहीं, मैं प्लीज, मैं कहीं नहीं जाऊँगी. सुजैन प्लीज मेरी बात सुनो, तुम यहाँ पर सेफ नहीं हो. तुम्हें तो कुछ दिन के लिए यहाँ पर से जाना पड़ेगा.
मैं खुद तुम्हें कुछ दिनों के बाद लेने आऊंगा, तुम अभी के लिए यहाँ से चली जाओ, एक बार सब कुछ ठीक हो जाएगा। ये लड़की कहीं जानी नहीं चाहिए थॉमस, इसका खून हमारी भूख मिटा कर ही रहेगा। सुजान, रन! रन, सुजान, रन! थॉमस, 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 नो, थॉमस, यू कांट डाई। तुमने मुझे प्रॉमिस किया था हम साथ रहेंगे। सॉरी सुजैन, सॉरी पीटर, प्रॉमिस भी कि तुम सुजैन का ध्यान रखो। ऑब्वियसली यस सुजैन, मेरे मरने के बाद अब इस दुनिया में कोई अक्ष नहीं है। अब किसी लड़की को मरना नहीं पड़ेगा। ऑब्वियस